नमस्कार, विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के इस अंक में हम बात करेंगे देश में विकसित पहली कोविड-19 वैक्सीन की। बताएंगे क्या है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड की नई एक्सिलरेट विज्ञान योजना। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। देश की पहली कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण को मंजूरी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत बायोटेक ने विकसित की कोवैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020। रिपोर्ट के अनुसार देश में राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के बेहतर परिणाम। डायबिटिक रेटिनोपैथी जांच के लिए आसान उपकरण विकसित। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं के शोध से अब शुरुआती दौर में ही हो जाएगी रोग की पहचान। और डीएसटी सर्व ने शुरू की एक्सिलरेट विज्ञान योजना। देश में वैज्ञानिक अनुसंधान में तेजी और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने का मंच। कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ जंग में भारत अब एक कदम और आगे बढ़ गया है। देश में तैयार पहली कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। देश की अग्रणी वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक द्वारा तैयार की गई कोवैक्सीन का अब पहले और दूसरे चरण के लिए मानव परीक्षण किया जाएगा। आपको बता दें कि दुनिया भर के शोधकर्ता कोरोना वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं, और अगर ये परीक्षण कामयाब होता है तो भारत वैक्सीन निर्माण में भी अग्रणी बन जाएगा। एक रिपोर्ट। हैदराबाद स्थित भारत की अग्रणी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी और महत्वपूर्ण वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ देश की पहली वैक्सीन विकसित करने में कामयाबी हासिल कर ली है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर कोवैक्सीन नाम से तैयार की गई इस वैक्सीन का लैब परीक्षण पूरा हो चुका है और अब इसे मानव शरीर पर परीक्षण के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा पहले और दूसरे चरण की मंजूरी मिल गई है। We are proud to announce a Covaxin, a live inactivated vaccine that is being developed at Bharat Biotech in partnership with ICMR and National Institute of Virology Pune and a public private partnership. And we are happy to say that this vaccine is a strain was isolated from NIV Pune and manufactured at Bharat Biotech and going to be conducted clinical trial in India. We are happy to say that DCGI gave a nod for conducting phase 1 and 2 clinical trial soon. वैक्सीन निर्माण के लिए SARS CoV-2 स्ट्रेन को पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की लैब में अलग किया गया और बाद में उसे भारत बायोटेक को हस्तांतरित कर दिया गया, जिससे कोवैक्सीन तैयार की गई है। कंपनी ने बहुत कम समय में तेजी से प्री क्लिनिकल अध्ययन कर नतीजे सरकारी संस्थानों को सौंप दिए, जिनके आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने मानव परीक्षण की मंजूरी दे दी है। इसी साल जुलाई में इस वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें, पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन बनाने की कोशिशें चल रही हैं, जिनमें से कुछ वैक्सीन मानव परीक्षण के चरण में पहुंच गई हैं। हालांकि अभी भी किसी को भी कामयाबी नहीं मिली है। अगर कोवैक्सीन इन चरणों को सफलतापूर्वक पार कर लेती है तो भारत कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे अग्रणी देश बन जाएगा। कोरोना से जंग के बीच तपेदिक को जड़ से उखाड़ने की मुहिम भी जारी है। मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के तहत इस रोग को जड़ से खत्म करने का अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में जारी वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 में इस कार्यक्रम के बेहतर परिणाम भी सामने आए हैं, जिससे साल 2025 तक देश से टीबी खत्म करने के महत्वाकांक्षी मिशन को बल मिलता दिख रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक दुनिया भर से तपेदिक
यानी टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक ही देश से तपेदिक को जड़ से मिटाने का है। 24 जून को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की। इस ताजा रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम देश के कई राज्यों में कामयाब होता दिख रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले राज्यों गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में टीबी पर काबू पाने की दिशा में बेहतर कदम उठाए गए हैं। 50 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में से त्रिपुरा और नागालैंड में अच्छी प्रगति हुई है। केंद्र शासित राज्यों में दादरा नागर हवेली तथा दमन और दीव को उल्लेखनीय कामयाबी मिली है। बधाई देना चाहता हूँ गुजरात को, हिमाचल प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को, त्रिपुरा को, नागालैंड को, और इसी तरह से जो एक हमारी यूनियन टेरिटरी दादर नगर हवेली और दमन दीव हैं, इनको जिनको आज विशेष रूप से इस हेल्दी कंपटीशन के अंदर पुरस्कृत किया गया है। इससे बड़ा स्पष्ट होता है कि कितने एग्रेसिव तरीके से हम कितनी गहराई और गंभीरता से देश के अंदर स्टेट्स हमारे काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जाहिर है देश को तपेदिक उन्मूलन की दिशा में अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। चुनौती गंभीर है क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक टीबी मरीजों में तंबाकू की ओर रुझान बढ़ रहा है। देश में 8% तपेदिक मामलों का कारण तंबाकू सेवन है। भारत में एचआईवी मरीजों में तपेदिक से पीड़ित होने की घटनाएं ज्यादा हैं। दुनिया भर में एचआईवी मरीजों की तपेदिक से मौत के मामले में भारत की हिस्सेदारी 9% है। रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल टीबी रोगियों में से 20% डायबिटीज से भी पीड़ित हैं। 2019 में संशोधित राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत दर्ज हुए तपेदिक रोगियों में से 64% की डायबिटीज जांच की गई। तपेदिक उन्मूलन की दिशा में सबसे बड़ी समस्या रोगियों के मामले दर्ज न होने की है। आंकड़ों के मुताबिक अब भी देश भर में करीब 5,40,000 टीबी मरीजों की जानकारी नहीं है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से तुलना की जाए तो कुछ मामलों में भारत की हालत बेहतर है। मसलन 2019 में भारत में तपेदिक के कारण 79,144 मरीजों की मृत्यु हुई, जबकि WHO ने भारत में 4,40,000 रोगियों की मौत का अंदेशा जताया था। भारत सरकार कई योजनाओं के जरिए तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम को अंजाम दे रही है। इनमें निक्षय इकोसिस्टम के तहत देश भर में टीबी मरीजों की जानकारी और उनके इलाज की निगरानी की जाती है। निक्षय पोषण योजना में टीबी मरीजों के उचित खानपान के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। सितंबर 2019 में शुरू की गई टीबी हारेगा देश जीतेगा योजना टीबी उन्मूलन को प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस सक्षम योजना की मदद से टीबी मरीजों का मार्गदर्शन करता है। 10 लाख हम केसेस को मिस कर जाते थे, लेकिन आज हम जब इस समय विश्लेषण कर रहे हैं तो हमारे जो मिसिंग केसेस हैं वो सिर्फ 2.9 लाख रह गए, यानी 7.1 लाख केसेस जो एक साल पहले तक मिसिंग कैटेगरी में चले जाते थे हम उनको ढूंढ नहीं पाते थे। 10 लाख में से 7 लाख से ज़्यादा केसेस को अगर हम एक साल में थोड़े से अपने प्रयास से टीबी हारेगा देश जीतेगा इस जज्बे के साथ अगर सारा देश मिलकर ढूंढ सकता है तो ये कोई बहुत बड़ा हमारे लिए लक्ष्य नहीं है कि हम 2025 तक का इंतज़ार करें। 2025 से पहले भी हम जो है टीबी के खिलाफ जो लड़ाई है उसको सफलतापूर्वक जो है लड़ सकते हैं। सवाल है कि आखिर टीबी का इलाज दुनिया भर में इतनी बड़ी चुनौती क्यों है? दरअसल टीबी फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लियोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। ये रोग संक्रमित व्यक्ति की छींक और खांसी जैसे माध्यमों से स्वस्थ लोगों को भी अपना शिकार बनाता है। बलगम
और खून के साथ खांसी, सीने में दर्द, कमजोरी, वजन कम होना, बुखार और रात में पसीना निकलना टीबी के लक्षण हैं। अच्छी बात यह है कि कोरोना वायरस के विपरीत इस बीमारी की दवा के कई विकल्प उपलब्ध हैं। संक्रमण की रोकथाम जानकार डॉक्टरों की मदद और देखरेख से मुमकिन है, लिहाजा टीबी के लक्षण दिखने पर फौरन डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। और ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, अभी लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-780-46। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। एक अनुमान के मुताबिक साल 2025 तक भारत में 1-2 करोड़ लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी रोग से ग्रस्त हो सकते हैं। आंखों के इस रोग की जांच के लिए काफी लंबी और असुविधाजनक प्रक्रिया है, जिसके तहत नेत्र रोग विशेषज्ञ कई तरह की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब भारतीय शोधकर्ताओं ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जिससे आसानी से शुरुआती दौर में ही डायबिटिक रेटिनोपैथी का पता लगाया जा सकता है। एक रिपोर्ट। डायबिटीज यानी मधुमेह एक साइलेंट किलर की तरह काम करने वाली इस बीमारी से पैदा होने वाले अन्य रोगों में से एक है आंखों का रोग डायबिटिक रेटिनोपैथी। एक लंबे समय से डायबिटीज से जूझ रहे रोगियों के रेटिना की रक्त वाहिकाओं में असमान वृद्धि होने लगती है, जिससे धुंधला दिखना, रंगों की पहचान में दिक्कत जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने श्री शंकरदेव नेत्रालय गुवाहाटी के साथ मिलकर एक खास माइक्रोफ्लूइडिक एनालाइजर उपकरण विकसित किया है, जो आंसू या यूरिन सैंपल द्वारा बहुत शुरुआती चरण में ही डायबिटिक रेटिनोपैथी की पहचान कर मरीज को अलर्ट कर सकता है। प्रेजेंटली मेथड्स फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी इंक्लूड फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी, डिटेक्शन ऑफ एक्सोडासिन रेटिना एंड इमेज एनालिसिस यूजिंग मशीन लर्निंग टूल्स। हाउएवर Such methods are not easily accessible and non-portable also, even rather expensive. In this direction, a biosensor has been developed for point-of-care testing device for beta-2-microglobulin, suitable for early detection as well as regular monitoring of diabetic retinopathy. इस उपकरण को IIT गुवाहाटी के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग और सेंटर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर दीपांकर बंदोपाध्याय और उनकी टीम ने तैयार किया है। शोधकर्ताओं ने एक ऐसे प्रोटीन बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन यानी B2M का पता लगाया, जो कि डायबिटिक रेटिनोपैथी का संकेत देता है। जांच के लिए रोगी के शरीर से लिए गए तरल पदार्थ जैसे आंसू या यूरिन सैंपल को उपकरण में डाला जाता है, जहां वो नैनो गोल्ड कणों से भरी B2M एंटीबॉडी के संपर्क में आता है, और अगर सैंपल में B2M प्रोटीन होता है तो उसका रंग बदल जाता है।
इस तरह पता चल जाता है कि रोगी डायबिटिक रेटिनोपैथी से जूझ रहा है या नहीं। Diabetic retinopathy causes damage to the blood vessels of the light sensitive tissue at the back of the eye. The longer you have diabetes and the less controlled your blood sugar is, the more likely you are to develop this eye complication. An early stage real-time detection of diabetic retinopathy can be realized by analyzing the biomarker beta-2 microglobulin in the body fluids. It helps in detecting the onset and growth of this dreaded eye disease, diabetic retinopathy, for the patient suffering from diabetes mellitus. ये उपकरण बिल्कुल ग्लूकोमीटर जैसा आसान और पोर्टेबल है, जिससे कहीं भी आसानी से रोगी की जांच की जा सकती है। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित इस शोध को ACS Sustainable Chemistry and Engineering पत्रिका में प्रकाशित किया जा चुका है और इसके लिए भारतीय पेटेंट भी दायर किया गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान में तेजी और गुणवत्ता तभी आ सकती है जब देश में प्रशिक्षित शोधकर्ताओं की संख्या ज्यादा हो। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सांविधिक निकाय सर्व ने एक्सेलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत की है। इस अंतर मंत्रालय कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर पोस्ट ग्रेजुएट और PhD छात्रों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे और उनका क्षमता विकास किया जाएगा। योजना पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। देश में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने एक्सीलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और कार्यशालाओं से जुड़ा मंच प्रदान कर वैज्ञानिक शोध की गति को तेज कर इस क्षेत्र में मानव संसाधन तैयार करना है। योजना के 3 व्यापक लक्ष्यों में वैज्ञानिक कार्यक्रमों का एकत्रीकरण, सुविधाओं से दूर रिसर्च ट्रेनीज के लिए स्तरीय कार्यशालाओं की शुरुआत और उनके लिए अवसरों का सृजन करना शामिल है। योजना के पहले भाग अभ्यास के तहत फिलहाल आवेदन मांगे गए हैं। अभ्यास इस योजना का एक प्रमुख हिस्सा है। इस कार्यक्रम के 2 भाग कार्यशाला और रिसर्च इंटर्नशिप वृत्तिका हैं। खासकर जिन पोस्ट ग्रेजुएट या PhD छात्रों के पास उच्च स्तरीय शिक्षण सुविधाओं और संसाधनों तक पहुंच के सीमित अवसर हैं, ये कार्यक्रम उनके कौशल विकास को प्रोत्साहित करेगा। अभ्यास से जुड़ी जानकारी के लिए एक वेब पोर्टल www.acceleratevigyan.gov.in भी शुरू किया गया है। योजना के अंतर्गत संचालित एक अन्य कार्यक्रम समूहन है, जिसमें संयोजिका और संगोष्ठी भाग शामिल हैं। संयोजिका के तहत देश में सभी सरकारी फंडिंग एजेंसियों द्वारा समर्थित इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण गतिविधियों को सूचीबद्ध किया जा रहा है, जबकि संगोष्ठी SERB द्वारा संचालित एक दूसरा कार्यक्रम है। एक्सीलरेट विज्ञान योजना के लिए सभी वैज्ञानिक मंत्रालयों, विभागों और कुछ अन्य सदस्यों को मिलाकर एक इंटर मिनिस्ट्री निरीक्षण समिति का गठन किया गया है। इस योजना पर देश के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों एवं प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर काम किया जा रहा है, जिनमें हर साल अलग से तकरीबन 1000 होनहार स्नातकोत्तर छात्रों को इंटर्नशिप का मौका मिल सकेगा। राष्ट्रीय स्तर की इस योजना के तहत आगामी 5 वर्षों में करीब 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट एवं PhD छात्रों को आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। और वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, हम अभी लौटते हैं।
नमस्ते। आप सभी को पता ही है इस वक्त सबसे जरूरी है अपने घर के अंदर रहना, सोशल डिस्टेंसिंग करना। तो जब तक हमारी सरकारें कहती हैं, जब तक हमें छुट्टी मिलती है और जब तक अगला आदेश नहीं आता है, आप बिल्कुल घर पर रहें, सुरक्षित रहें। यही एक तरीका है और ये लड़ाई होगी, हम घर पर रहते हुए लड़ रहे होंगे इस चीज़ से। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, क्रिएटिव चीज़ें, जैसे मैं आज खाना बनाया अपने बच्चे के लिए। तो आप पढ़ सकते हैं किताबें, खाना बना सकते हैं। हम आपाधापी में परिवार से दूर रहते हैं, कम समय दे पाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो इसका क्रिएटिव इस्तेमाल हो और भीड़ से बचें, बाहर जाने से बिल्कुल बचें जब तक आदेश नहीं आता है। और ऑफ कोर्स हाँ, साथ में ये भी, जो हमारे सेहतकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, लैब में काम करने वाले लोग हैं, जो इस मुश्किल घड़ी में काम कर रहे हैं, उन सबको बिल्कुल इनक्रेज करना है, उनकी हौसला अफजाई करनी है, उनके लिए सैल्यूट है हमारा। शुक्रिया। सेफ रहें, सुरक्षित रहें और आनंदित रहें। और हाँ, ये दुनिया ने बहुत सारी ऐसी समस्याएं देखी है, चुनौतियां देखी हैं, उभरे हैं, इससे भी उभर जाएंगे। शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान, और अब देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। देश में कंप्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी की संस्कृति स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने 2 जुलाई को ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020 की शुरुआत की है, जो कि ड्रग डिस्कवरी प्रक्रिया के सहयोग के लिए अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है, जिसमें कंप्यूटर विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, बुनियादी विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों, शोधकर्ताओं और छात्रों की भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। ये हैकाथॉन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इनोवेशन सेल, अखिल भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक संयुक्त पहल है, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सहित निजी संस्थानों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के मौके पर कई डिजिटल कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये वैश्विक कार्यक्रम 1908 में साइबेरियन तुंगुस्का में क्षुद्र ग्रह गिरने की घटना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, जो कि हाल के इतिहास में पृथ्वी पर सबसे प्रभावशाली उल्कापात की घटना है। क्षुद्र ग्रह के महत्व और हमारे इतिहास और सौर मंडल में उनके अद्वितीय स्थान के बारे में शिक्षित करने के लिए कई प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा 2014 में क्षुद्र ग्रह दिवस की स्थापना की गई थी। 2016 में संयुक्त राष्ट्र ने क्षुद्र ग्रहों के बारे में जागरूकता और शिक्षा के प्रसार के लिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस नामित किया। क्षुद्र ग्रह मूल रूप से चट्टानी अवशेष हैं, जो हमारे सौर मंडल के प्रारंभिक गठन में छूट गए थे। इनमें से अधिकांश मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं, लेकिन नियर अर्थ क्षुद्र ग्रहों की कक्षाएं पृथ्वी की कक्षा के करीब से गुजरती हैं, इसलिए वे पृथ्वी के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं। निपॉन फाउंडेशन GEBCO सीबेट 2030 प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने समुद्र के तल का एक पांचवा नक्शा बनाने का दावा किया है। परियोजना के तहत वैज्ञानिक समुद्र तल तक ध्वनि कंपन को भेजने के लिए मल्टी बीम इको साउंडर्स का उपयोग करते हैं और फिर समुद्र की गहराई की गणना करने के लिए ध्वनि की गूंज को मापते हैं। सोनार डेटा को जहाजों और पनडुब्बियों आदि के माध्यम से एकत्रित किया जाता है। डेटा का अध्ययन करने और नक्शा तैयार करने के लिए परिष्कृत सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। आपको बता दें कि समुद्र तल का नक्शा उपग्रह की मदद से भी बनाया जा चुका है, लेकिन ये सिर्फ 5 किलोमीटर रेजोल्यूशन का ही था, जबकि जहाजों में लगी आधुनिक सोनार प्रणालियों का उपयोग करके लगभग 100 मीटर के करीब रेजोल्यूशन प्राप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस काम से समुद्र के परिसंचरण,
समुद्र के स्तर में वृद्धि, मौसम प्रणाली और जलवायु परिवर्तन को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग 3 मई 2020 से 2 मई 2021 तक अपना स्वर्ण जयंती स्मारक वर्ष मना रहा है। इसी के अंतर्गत डीएसटी सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने हाल ही में स्वर्ण जयंती स्मारक वर्ष का आधिकारिक लोगो लॉन्च किया। इस मौके पर प्रोफेसर शर्मा ने उत्सव के तौर पर पूरे वर्ष में व्याख्यान श्रृंखला, वेबिनार और स्वायत्त संस्थानों पर बनी लघु फीचर फिल्मों के रूप में कई गतिविधियों के आयोजन की भी घोषणा की। उन्होंने प्रत्येक स्वायत्त संस्थान को अपने संस्थान की सुविधाओं और अनुसंधान गतिविधि के बारे में जागरूकता पैदा करके समारोहों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। नासा की सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी ने 2 जून 2010 से 1 जून 2020 तक का तकरीबन 20 मिलियन गीगाबाइट डेटा और सूर्य की 425 मिलियन हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स जमा की हैं। इस 10 साल के सारे डेटा की एक वीडियो क्लिप जारी की गई है, जिसके द्वारा इस दौरान सूर्य में आए कई बदलावों को देखा जा सकता है। आइए हम भी देखते हैं इस अद्भुत सोलर टाइम लैप्स वीडियो का नज़ारा।